नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि सनेश्वरम। ओम सन सनेश्वराय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग 28 मई 2022 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार वरणी नक्षत्र यमराज देवता है नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। शोभन योग, शोभन योग मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शादी ब्याह व्रतबंध मुंडन इत्यादि में ये शुक्रित है। गंडमूल और पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:25 पर हो चुका है, सूर्यास्त शाम को 7:12 पर होगा। राहुकाल की बात करें प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक राहुकाल है। पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें, यात्रा निषिद्ध है। दिशा शूल में यात्रा करना अशुभ है। यदि बहुत अच्छा है कि आप दर्पण देखिए, चंदन हल्दी का टीका लगाइए, गुड़ दही का प्रसाद ग्रहण कीजिए और यात्रा को मंगलमय बनाइए। शुभ रंग की बात करें ऑफ वाइट, सफ़ेद से संबंधित हल्का सफ़ेद आसमानी, इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों की। मेष राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रह, योग जो बन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण हो जाएगा, झगड़ा होगा, तनाव उत्पन्न होगा, पति पत्नी के बीच में भी विवाद संभव है। साथ ही साथ संतानों में और अपने भाई बहन में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है। वहीं माता पिता से भी विवाद संभव है। आपस में विवाद की संभावना प्रबल है। बहुत अच्छा हो कि मंगल को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए कि ये समस्याएं ना बढ़े और शांतिपूर्वक अपने मांग समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिएगा ताकि पारिवारिक शांति बनी रहे। वहीं मेष राशि की महिलाएं आज शांतिपूर्वक दिन बिताएं और कुछ क्रिएटिविटी में मन लगाइए, कुछ साहित्य संगीत कला में मन लगाइए, कुछ जो भी आप अच्छा करना चाहते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। मानसिक तनाव शांति महसूस होगी, मानसिक तनाव में परिवर्तन होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि की लग्न कुंडली को यदि देखा जाए तो परिवार में संतोष की स्थिति बनेगी, परिवार में शांति का माहौल कायम होगा, माता पिता को बच्चों से संतुष्टि प्राप्त होगी और वहीं बच्चों को भी अपने काम काज से और परिवार से संतोष प्राप्त होने वाला है। तो परिवार का विकास का समय चल रहा है, जो बाधाएँ होंगी दूर होगी। वहीं वृषभ राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज वो जो भी कार्य करना चाहती हैं तो आज कार्य की शुरुआत करना चाहती हैं तो कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही मंगलमय दिन है। कोई बिजनेस है, कोई बुटीक शुरू करना चाहिए, कोई पार्लर है या कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कोई स्किल्स सिखाने से संबंधित कोई कार्य, कोई बिजनेस व्यापार करना हो तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। रात को 9 बजे शुभ समाचार मिलेगा, किसी भी कार्य को लेकर के जो रुकावट आ रही है वो रुकावट ठीक होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के ग्रहों को देखा जाए तो परिवार में बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होगा। खासकर जो बच्चे विदेश में अध्ययन कर रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मांगलिक सूचना जरूर प्राप्त होगी। आज बातचीत कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लीजिए, उनसे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए। मिथुन राशि की महिलाएँ आज अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए अपने शौक श्रृंगार से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाए, अपने जीवन को सजाए सवारे। नौकरी या दफ्तर को देखा जाए तो शुभ समाचार की प्राप्ति का योग बन रहा है। जो लोग नौकरी में के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको लाभ मिल सकता है। कर्क राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रहों के हिसाब से परिवार में विकास का योग, बच्चों की शिक्षा सही दिशा में जाएगी। जहां बच्चों के लिए एडमिशन की समस्या चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी, बच्चों की शिक्षा में कोई विघ्न बाधा चल रही उसका सोल्यूशन निकल करके आएगा। घर और परिवार की यदि कोई योजना बना रहे हैं उस योजना को आगे बढ़ाने में भी आपको सफलता मिलेगी। घर के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी हो आज आप बना सकते हैं, वो घर के लिए बहुत शुभ होगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है, आज जो भी संकल्प करना चाहते हैं कर लीजिए। वहीं कर्क राशि की महिलाएं यदि क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, यदि कोई प्रोफेशन है, कोई बिजनेस है, तो वो कार्य को आज आगे बढ़ा सकती हैं, उसकी सफलता का विशेष योग बन रहा है। सिंह राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रह, परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के जो बहुत दिनों से संकट चल रहा है,
चाहे वो माता पिता का स्वास्थ्य हो या घर में किसी अन्य सदस्य का स्वास्थ्य हो, उसमें सुधार होगा, उसमें स्थिरता आएगी और आपको शांति महसूस होगी और घर का विकास प्रशस्त होगा। आज घर में परिवर्तन का दिन है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत दिनों से जो आपको भागम दौड़ भी चल रही थी ना, वो भागम दौड़ अब खत्म हो जाएगी। हॉस्पिटल जाने से आपको मुक्ति मिलेगी और आप देखिए अगर कोई एडमिट है तो आज आपको वहाँ इम्प्रूवमेंट का खबर मिलेगा। परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। कन्या राशि, परिवार में अमंगल अशांति और विवाद की संभावना प्रबल है। पति पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ सकता है या किसी छोटे मोटे मुद्दे को लेकर के अहम टकराएगा, विवाद बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी। बहुत अच्छा हो, संयम बढ़ते हो, आज के दिन आप शांतिपूर्वक निकालिए। कन्या राशि की महिलाएं, अपने गृहस्थी से संबंधित कुछ चीज़ें आज जरूर खरीदिए। आज घर को आप सजाइए, सवारिए, व्यवस्थित कीजिए, अपने किचन को अपडेट कीजिए, अपने घर को अपडेट कीजिए, उससे घर में मानसिक शांति आती है। आज आपको उन सभी चीज़ों को बाहर निकाल देना होगा जो मन को हल्का रखे, साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तुला राशि, परिवार में शांति और संयम की स्थिति फिर से कायम होगी। माता पिता को लेकर के चिंता थोड़ी हो सकती है, बहुत अच्छा हो, माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लीजिए। माता पिता के लिए जो भी अच्छा बन सकता है वो कीजिए, क्योंकि उससे सूर्य और चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है, देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। वहीं तुला राशि की महिलाएं, आज का दिन बहुत ही आनंद और उमंग और शांति वाला रहेगा, बहुत अच्छा होगा। आप अपने मित्रों, अपने संबंधियों से बातचीत कीजिए और आज अपने दिन को शांत रखिए और सुख शांति के साथ बिताइए। वृश्चिक राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार पति पत्नी में विवाद बढ़ जाएगा। छोटे से विषय को लेकर के बड़ा विवाद हो सकता है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। किसी चीज़ को खरीद करके ले आए, घर में शांति व्यवस्था रहे, घर में आनंद का वातावरण बनाने की कोशिश कीजिए। विवाद से आप दूर रहिए, अनावश्यक बातें मत कीजिए, विवाद से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि की महिलाएं, आज भगवान की भक्ति में थोड़ा ध्यान दें। धनु राशि, लग्न कुंडली के अनुसार बच्चे चिंता का कारण बन सकते हैं, उनके कैरियर की वजह से विघ्न बाधाएँ बढ़ सकती है। माता पिता को अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा, चिंता बढ़ेगी, घर में शांति की स्थिति रहेगी। ये बच्चे माता पिता के लिए तनाव का कारण बन सकते हैं, तो शांति को कायम करना है तो सामंजस्य बनाइए, समस्याओं का समाधान कीजिए। मकर राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रह क्या बता रहे हैं, परिवार में अनावश्यक चर्चा मत कीजिए। किसी बाहरी व्यक्ति के विचार भावना से प्रेरित होकर के घर में अशांति उत्पन्न मत कीजिए। बच्चे हैं तो अपने माता पिता से दूसरे बच्चों को लेकर के झगड़ा ना करें, पत्नी है तो वो बाहर की बातों को लेकर के अपने पति से झगड़ा ना करें। परिवार में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने वाले लोग, विचार, भाव से दूरी बना लीजिए। मकर राशि की महिलाएँ, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकती हैं। कुंभ राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। आज किसी वजह से परिवार में खुशी और संतोष की प्राप्ति होगी, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो। बच्चों की वजह से माता पिता जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी बच्चे करना चाहते हैं, उसमें माता पिता को भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको सफलता मिलेगी, घर में खुशी का वातावरण बनने वाला। वहीं कुंभ राशि की महिलाएँ, आज फिजूल खर्ची ना करें, धन संचय पर आज आप विशेष ध्यान दीजिए। मीन राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रहों के हिसाब से यदि देखा जाए तो परिवार में अशांति, झगड़ा, पति पत्नी में संबंध खराब होने की स्थिति बन रही है। प्रेमी प्रेमिका में तो आज का दिन बहुत ही घातक है, संबंध ही खत्म करवा देगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा और बातें एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा, तो कहीं ऐसी बातें मत छेड़ दीजिएगा कि नुकसान हो जाए। महिलाएँ, आज संगीत सुने, फिल्में देखें और अपने शरीर मन को सुख देने वाली चीज़ों पर ध्यान दें। नौकरी दफ्तर की जगह आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, आपके काम की सराहना होगी, प्रशंसा होगी। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है और वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर यदि अपने भाग्य को जानना चाहते हैं तो अंक विज्ञान के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने मूलांक के आधार पर आप अपना भविष्यफल जानेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे 28 मई को जन्मे हुए बच्चों का भविष्यफल। शनिवार भरणी नक्षत्र शोभन योग और चंद्रमा मेष राशि पर अवस्थित है। आज के जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे अत्यंत भाग्यशाली, शरीर से सुंदर, मजबूत शरीर वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे।
लेकिन इनके जीवन में संघर्ष दुख बहुत ज़्यादा रहेगा। इनका प्रारंभिक जीवन में पिता को लेकर के कष्ट का योग बन रहा है, वहीं आर्थिक समस्याएं भी रहेंगी, लेकिन आप अपने संघर्ष और अपने परिश्रम से अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करेंगे। और समय समय पर इन बाधाओं का यदि आपको समाधान करना है तो ग्रह शांति करवाएं, भगवान का ध्यान करें, उससे ये कष्ट कम होते हैं। 28 मई 2022 को आज जिनका जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक चार महीने भाग्य सूचक रहेंगे। धन प्राप्ति का विशेष योग है, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। पाँचवें से जो नवा महीना है ये संघर्ष में, कष्ट में, परेशानी में रहेगा। नौकरी में समस्या आएगी, न्यायालय की समस्या आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, आर्थिक हानि हो सकती है, और विवाद से आप दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही 10वां से 12वां महीना सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। विदेश योग से आपको लाभ होगा। आज का मूलांक 1 है, शुभ रंग आसमानी नीला, गाढ़ा नीला, केसरिया। यदि भाग्य का ओवरऑल असेसमेंट किया जाए तो 71% भाग्योदय है। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जानेंगे अंक ज्योतिष से भविष्यफल। 1 सूर्य, मन में प्रसन्नता, घर में सुख शांति का वातावरण, पारिवारिक विकास होगा। 2 चंद्रमा, मित्रों से लाभ, शेयर बाजार से भी लाभ का योग बन रहा है, निवेश कर सकते हैं। 3 बृहस्पति, सोने चांदी के निवेश से लाभ, खुदरा बाजार से भी लाभ का योग, सेहत अच्छी रहेगी, कार्य में प्रगति होगी। 4 राहु, आपके मन में निराशा हो सकती है। 5 बुध, जीवन में संघर्ष होगा लेकिन भाग्योदय की संभावना प्रबल है। 6 शुक्र, आपको यात्रा से लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। 7 केतु, विवाद और झगड़े से दूर रहिए। 8 शनि, धन लाभ का विशेष योग। 9 मंगल, जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भाग्योदय का बहुत अच्छा समय चल रहा है। अपने अल्फाबेट के आधार पर शुभ संयोग में जानेंगे अपना भाग्यफल। 1 सूर्य, सुख और आनंद का पल रहेगा। 2 चंद्रमा, मानसिक तनाव और क्लेश से बचिए। 3 बृहस्पति, परिवार में सुख शांति। 4 राहु, निवेश से बचिए। 5 बुध, धन लाभ, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। 6 शनि, सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। 7 बृहस्पति, शासन प्रशासन से लाभ। 8 बुध, सुख शांति और यात्रा से लाभ। 9 सूर्य, दूरवर्ती क्षेत्र विदेश से शुभ समाचार। 10 सूर्य, मित्रों से शुभ समाचार मिलेगा, धन के खर्च से बचे। 11 चंद्रमा, मानसिक कष्ट, अपने आंतरिक और विशेष बातों को सबको ना बताइए, खास लोग बताइए, छिपाइए नहीं। 12 बृहस्पति, परिवार में सुख शांति, व्यवसाय में उन्नति। 13 राहु, वृद्ध और दिव्यांगों की सेवा से भाग्योदय। 14 बुध, धन लाभ का उचित समय। 15 केतु, आज झगड़े से बचिए। 16 शनि, आप भी झगड़े से बचिए। 17 सूर्य, मान सम्मान में वृद्धि, पिता से लाभ। 18 चंद्रमा, माँ की सेवा से भाग्योदय। 19 बृहस्पति, भाग्योदय होगा, दिन शुभ रहेगा। 20 राहु, रुके हुए काम बनेंगे। 21 शुक्र, परिवार के साथ समय बिताना और भ्रमण पे जाइए, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। 22 शुक्र, पत्नी के साथ सामंजस्य बनाइए। 23 शुक्र, परिवार की इच्छाओं के अनुरूप चलिए। 24 बुध, निर्णय लेने का शुभ समय। 25 सूर्य, रुके हुए काम बनेंगे। 26 केतु, विवाद से दूर रहिए, निवेश मत कीजिए। मस्तक मंडल में तिल का महत्व मैं बताया था आपको, आज फिर तिल के विषय में बता रहा हूँ। यदि मस्तक मंडल में 5 से अधिक तिल रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 5 से अधिक तिल अगर आपके मस्तक मंडल में हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। चारों तरफ संकट परेशानी रहेगी, किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, परिश्रम करने पर उपलब्धि नहीं मिलेगी, मेहनत व्यर्थ जाएगी, शिक्षा में बाधा रहेगी, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, यानी दुर्भाग्य और सार्थक फल भी नहीं मिलता है। व्यापार में लगातार हानि होती है, मान सम्मान में भी हानि रहती है, यानी देखा जाए तो कलंक लगने की भी संभावना रहती है। अपमान और कलंक से बचना चाहिए। ये तिल दुर्भाग्य के सूचक होते हैं, बहुत ज़्यादा तिल होना। वहीं अगर 4 की संख्या में तिल हों, 4 ऐसे व्यक्ति
भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं और इनके जीवन में दूसरे तीसरे या चौथे दशक में निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। जीवन बड़ी तेजी से उपलब्धि के रूप में परिवर्तित होता है। यदि मस्तक पर 5 तिल हो तो व्यक्ति व्यवसायिक क्षेत्र में जीरो से हीरो बन जाता है, बड़ा एम्पायर हासिल करता है। वहीं प्रशासन के क्षेत्र में भी कर्मठ व्यक्ति होता है और अपने काम की बदौलत वो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त करता है, जैसे IAS PCS जैसी विशेष उपलब्धियाँ इस सर्विसेज में सफलता के लिए ये कारण बनता है। ये लोग जीवन में जो चाहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मस्तक मंडल में 3 तिल अलग अलग 3 भागों में अगर ऐसे हैं तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। वहीं तीन अगर 3 अलग अलग भागों में है ये तिल, 3 तिल ऐसे लोग अलग अलग भागों में, जैसे दाहिने क्षेत्र में हो तो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति होगा, क्रिकेट के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, वहीं अपने बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं बाएं तरफ 3 तिल वाले व्यक्ति, बाएं तरफ यदि सेंटर से बाएं तरफ जीवन साथी के माध्यम से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, किसी स्त्री, महिला या पत्नी, और भाग्योदय का मार्ग भी आपका तय होता है। अब महामंत्र की बात करेंगे। आप देखें हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, हम चाहते हैं लेकिन वो काम होता नहीं, जीवन में कष्ट बना रहता है, पति पत्नी के अनुरूप नहीं रहता है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहता है, उधर प्रेमी प्रेमिका के अनुरूप नहीं है तो, और प्रेमिका भी प्रेमी के अनुरूप नहीं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। यदि ये सद्भाव नहीं है, किसी को आप अपने मन में अपने बस में करना चाहते हैं लेकिन उद्देश्य दाम्पत्य जीवन बनाना है, ये नहीं कि मनोरंजन, तो इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। अन्यथा वैवाहिक संबंध के लिए, अतिरिक्त वैवाहिक संबंध के लिए इस मंत्र के प्रयोग से और भी नुकसान हो सकते हैं जो कि आपके जीवन में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए आप लोग यदि सुखद दाम्पत्य जीवन, यानी जो प्रेमी प्रेमिका कल को अपना सुखद दाम्पत्य जीवन बनाना चाहते हैं तो वो ये मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम ऐं शुक्र प्रियायै विद्महे क्लीं कामेश्वरीं धीमहि तन्नः श्यामा प्रचोदयात्। फिर से बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओम ऐं शुक्र प्रियायै विद्महे क्लीं कामेश्वरीं धीमहि तन्नः श्यामा प्रचोदयात्।